नमस्ते, इस किसान ने देखो कितने कमाल की सोच लगाई है। ये जुगाड़ देख के मैं भी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया था कि किसान सचमुच में अपने आप में एक साइंटिस्ट है। ये किसान जो है मल्लिकार्जुन गुलबर्गा से है। इन्होंने मेरे पास से कॉटन सीड ड्रिल के ये दो बॉक्स लेके गए थे, लाल कलर के जो दिख रहे हैं वो, और इसमें इन्होंने एक कॉटन सीड ड्रिल के सामने एक छोटी सी पट्टी वी पास की जैसी लगाई है और पूरा एरिया कवर किया है। इसका फ़ायदा इनको ये हुआ है कि खेत अगर प्लेन नहीं है तो इसमें खेत भी प्लेन हो रहा है और खेतों में खरपतवार है। अगर आपको बुआई करना है और खरपतवार है और सूखी सूखी मिट्टी है हल्की सी, तो इसमें आप इसको आराम से चला सकते हो। इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि खरपतवार भी जा रहा है और साथ में इसके साथ साथ में कॉटन की इनकी बुआई भी हो रही है। और हाथ से अगर कॉटन लगाओगे तो बनियार भी ज़्यादा लगेगी, लेबर भी ज़्यादा लगेगा। और दूसरा, हाथ से लगाने का ये नुकसान होता है कि अगर हाथ से लगाया और तुरंत बारिश चली जाती है और 8 दिन बारिश नहीं आती है तो वो निकलता नहीं है, क्योंकि उसकी गीलापन सूख जाता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि इसकी बुआई हो रही है, दाना गिरा है, गीले में गिरा है, उसके बाद में फिर तुरंत मिट्टी उसके ऊपर आके गिर रही है, तो सब गीले में है। तो ये अगर 8-15 दिन बारिश चली भी जाती है तो इसमें कि पूरी कॉटन निकल जाएगा। और दूसरा, इसमें थोड़ा बहुत सुधार करके इस सीड ड्रिल में आप सोयाबीन, तूर और खाद भी फसलों को दे सकते हो अपने लेवल पे थोड़ा बहुत सुधार करके। दूसरा, इन्होंने एक ये भी किया है कि अगर जब ट्रैक्टर घूम के आएगा उधर से, तो साइड में एक पट्टी दी हुई है, वो निशानी करके चल रहा है। अगर ट्रैक्टर घूम के आएगा तो वो निशानी को इस्तेमाल करके वो घुमाने के बाद में ट्रैक्टर इसमें चलाएगा। ये मल्लिकार्जुन नाम के किसान हैं। इन्होंने मेरे पास से 2 बॉक्स लेके गए थे और उनका फ़ोन आया था, तो उन्होंने बताया कि मैंने कम से कम 100 एकड़ से अधिक ज़मीन इसमें बुआई की है, घर का भी किया है और भाड़े से भी किया है। तो लगभग 1 लाख रुपए के करीब भाड़े का पैसा इनको इस 2 बॉक्स की वजह से आया है। और ये भी कहा है उन्होंने कि सभी बुआई निकली है। तो इस सीडिल के बारे में जो भी जानकारी है तो आप मेरा नंबर, व्हाट्सअप का नंबर दिया जाएगा, व्हाट्सअप पर आप मैसेज कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त हो।